मांगलिक दोष को शादी से ही क्यों जोड़ा गया था, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह थी। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे चालाक लोगों ने इस मांगलिक दोष का इजाद करके लोगों की जिंदगी तबाह की थी, और इस वीडियो में बात करेंगे कि उन चालाक लोगों ने इस दोष को शादी से क्यों जोड़ा था, उसकी क्या खास वजह थी। और आप ये मत समझना कि वे चालाक लोग कोई मामूली बुद्धि वाले लोग थे, वे भी उसी तरह की बुद्धि में ज्ञान रखने वाले थे जैसा कोई ऋषि महापुरुष रखते हैं, या कहा जाए तो ये लोग भी इनलाइटन को प्राप्त हो सकने वाले लोग थे, मगर बस एक स्टेप दूर ही इन्होंने अपनी हिम्मत तोड़ दी थी, जिससे अब ये ना तो भगवान को पा सके थे और ना ही संसार को। इसलिए इन्होंने ही ऐसी चीजों का इजाद किया था जिससे किसी का भी बचना बहुत मुश्किल था। इसलिए आज हम आपके सामने इसके भी राज खोलेंगे कि कैसे इन लोगों ने तरकीब लगाई थी। इन्होंने पहले तो बोला कि मांगलिक दोष बहुत बुरा होता है, जिसकी भी कुंडली में होगा उसको तो बहुत सी परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन इन्होंने पाया कि कुछ लोग इनकी बातों में विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग यह कहकर टाल देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, हम हर तरह की चीज़ों के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ उस समय लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो बहुत से लोग इनकी लिखी गई किताबों को भी नहीं पढ़ पाते थे, या कहा जाए तो उस समय का युग भक्ति का युग था, माइंड का नहीं, और लोग भक्ति करके भगवान की पूजा आदि करके इस जाल से निकलने लगे थे। और लोग ये भी कहने लगे थे कि देखो मुझको भी मांगलिक दोष बताया गया था, लेकिन मुझको तो कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात, तब तक ये केवल पुरुषों को ही बहकाने में लगे थे, लेकिन पुरुष लोग हमेशा ही माइंड से जीते हैं, इसलिए उनमें से बहुत से लोग इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और जब इन लोगों ने देखा कि शायद यह तरकीब कुछ अधूरी है, तो तब इन्होंने इसमें कुछ ऐसा जोड़ा जिससे कोई नहीं बच पाया, और वह था कि इन्होंने कहा कि जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, अगर उनको कुछ नुकसान ना हुआ तो वह जिससे शादी करेगा उसको नुकसान होगा ही। और इस बात से बचना हर किसी का लगभग नामुमकिन हो गया, क्योंकि हम कोई कष्ट खुद को तो दे सकते हैं, खुद झेल सकते हैं, लेकिन हम जिसको प्यार करते हैं उसको तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और दूसरी बात, यह बात हमेशा भविष्य में ही होती है, जिसकी कोई लिमिट भी नहीं होती है कि कब ये सब कुछ हो सकता है, मतलब आपका पूरा फ्यूचर ही दांव पर लगा दिया गया है। अब आप इस बात को अगर भूलना भी चाहो तो कैसे भूल सकते हो। और इस बार इन लोगों ने पूरी नारी जाति को ही शामिल कर लिया था, उनको पता था कि एक बार अगर कुछ ही स्त्री इस बात को सच मान ले तो पूरी दुनिया में इस बात को कोई झूठा साबित कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि लड़कियां दिल से जीती है, दिमाग के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ती है। जो कहा जा रहा है, अगर इन्होंने इसको एक बार सच मान लिया तो बस सारा काम अपने आप ही हो जाने वाला है, और अगर कोई व्यक्ति इस राज तक कभी गलती से पहुंच भी गया तो उसकी कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि तब तक तो यह बात लोगों के खून में समा चुकी होगी। और कभी कभी तो क्या हमेशा ही एक बात भी मांगलिक लोगों के साथ होती है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इसमें मैं आप लोगों के एक सवाल का भी जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट्स के जरिए पूछा है कि हम कई सालों तक लड़का खोज रहे हैं मगर लड़का नहीं मिल रहा है या लड़की नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे भी एक वजह होती है, जब लड़कियों को ये पता चलता है कि वे मांगलिक हैं तो कई बार वे बहुत ज्यादा डर जाती हैं कि कहीं उनके पति को कुछ हो गया तो उनकी तो जिंदगी बर्बाद ही हो जाएगी, और इसलिए वे कहीं ना कहीं शादी से ही डरने लगती हैं, और शादी करने के बारे में कंफ्यूजन में रहती हैं, इसलिए उनकी शादी में थोड़ी देरी भी हो जाती है। और लड़के का ना मिल पाना केवल उनके इसी विचार के कारण पैदा होता है, क्योंकि वे अपने आप को पूरी तरह से तैयार ही नहीं कर पाती है। वैसे कुछ और भी वजह शादी की देरी के लिए हो सकती है, लेकिन यह भी बड़ी वजहों में से एक होती है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन लोगों को जिन्होंने इस तरकीब को बनाया था उनको ऐसा क्या चाहिए था जिसके लिए उन्होंने ऐसी गलत तरकीब अपनाई थी। तो इसका जवाब है, यह बात उन्होंने अपने ऊपर ही छोड़ी थी कि वे किससे क्या लेना चाहेंगे। जो अमीर होगा वे उससे पैसे लेंगे, जिसके पास जो है वे उससे वही लेना पसंद करेंगे, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उनको ये ऐसे उपाय बोलेंगे कि जाओ नदी में चावल बहा दो, रोज पीपल के पेड़ पर एक महीने तक पानी देना, गाय को रोटी खिलाना आदि आदि, क्योंकि सबको एक साथ तो लेकर चलना ही पड़ता। लेकिन जब रोग एक है तो उसकी दवाई सबके लिए अलग अलग कैसे हो सकती है, और इतनी अलग क्यों, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए अब उनकी बनाई इस तरकीब का दम निकालते हैं। अब जो मांगलिक दोष का डर आपके दिलो दिमाग में बैठ चुका है, एक तरकीब तो यह है कि जिस कुंडली ने आपको यह बताया कि आप मांगलिक है आप उसको ही उठाकर फेंक दीजिए, तो मांगलिक तो क्या सारे दोष ही घर से बाहर हो जाएंगे। लेकिन काश ऐसा होता, क्योंकि अब ये कागज की कुंडली में नहीं आपके दिलो दिमाग में जा चुका है। इसका तो उपाय करना ही होगा, जो जरूरी भी है, क्योंकि यह सब बातें तो आपको आगे के लिए इससे बचाएगी, लेकिन जो दिलो दिमाग में बसा है उसका भी तो कुछ करना ही होगा। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के पास मांगलिक दोष का उपचार व उपाय कराने गए तो आप इसको अपने दिलो दिमाग से शायद पूरी तरह से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस फिर भी होगा तो मांगलिक दोष को खत्म करने पर ही। पर इसके लिए मैं आपको एक ऐसा उपाय बताना चाहता हूँ जो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा इन तरकीब बनाने वाले लोगों ने अपनाया था। आप अपने मन के अंदर खोजें कि यह मांगलिक दोष सबसे ज्यादा किस चीज के लिए डराता है। माना एक उदाहरण ले तो, जैसे आप अगर एक लड़की हैं और आपको लगता है कि यह मांगलिक दोष आपके हस्बैंड को नुकसान पहुंचाएगा,
तो आप अपने जिस भी गॉड में बिलीव करते हो उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके पति को 100 सालों तक सलामत रखें। और इसके लिए आप चाहे तो कुछ दिन के फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे 7 या 11 दिन आदि आदि, अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। क्योंकि ये उपवास आदि करने से यह विश्वास आपका गहरा हो जाएगा कि आप और आपके पति हमेशा सलामत रहेंगे, और जो पहला विश्वास था वह खत्म हो जाएगा। इससे यह मांगलिक दोष आपका हमेशा के लिए पीछा छोड़ जाएगा। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने अपना बचाव का पूरा उपाय कर लिया है और आपके हमेशा सेफ रहेंगे। लेकिन नया सीखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि जैसे जैसे आपके पुराने बिलीफ व डर खत्म होंगे और चीजों को आप समझते जाओगे, आपके दिमाग से डाउट्स मिटते जाएंगे, और जितने डाउट्स आपके मिटते जाएंगे उतना ही खुश व सफल आप हो पाओगे। वैसे मुझे पता है कि अभी भी बहुत से सवाल आपके बचे होंगे, जैसे क्या मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है या नहीं। इस वहम को हम अगली वीडियो में दूर करेंगे।